आप देख रहे हैं यहाँ टाइम इस समय मैं आगरा के बटेश्वर में हूँ, जहाँ 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा किया गया है। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। इन्हीं स्टॉलों से एक स्टॉल वाले हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करके प्रयास करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकुर प्रसाद है, मैं यूपीएल एडवांटा कंपनी से हूँ। ये हमारी स्टॉल लगी हुई है। हमारे पास जो है हरे चारे के बीज आते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। खाने से पशुओं का दूध बढ़ता है, स्वास्थ्य में अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन अच्छा होता है और आपको पैदावार भी इससे अच्छी होती है। उसी क्रम में हम यहाँ पर आए और किसानों को जानकारी दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। इस मेले में आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उनमें किसी प्रकार का अनुदान या कोई प्रावधान है? नहीं, हमारे प्रोडक्ट में कोई छूट का अनुदान वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सेल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ हम डिटेल्स दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। मेले में एक अन्य स्टॉल पर हम हैं, जहाँ यह स्टॉल इफ्को कंपनी के द्वारा लगाई गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? हरीश कुमार। वो आपके क्षेत्र में इफ्को जी, आपके द्वारा यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें किस प्रकार के उत्पादों को दिया जा रहा है और इनमें मुख्य क्या है? जो हमारे परंपरागत उत्पाद थे यूरिया, एनपीके, डीएपी, उसके अलावा हमें घुलनशील उर्वरक आ रहे हैं जो केवल स्प्रे से ही काम कर जाएगा, उनको किसानों को समझा रहे हैं। इसके अलावा एक नया उत्पाद जो ओपीसी में है, एफसीओ में शामिल हुआ, नैनो नाइट्रोजन, ये एक काम कर रहा है। तो इसके लिए किसान को ट्रैक्टर ट्राली ले जाने की जरूरत नहीं होगी, एक बैग में जो है ले जाएंगे और अपना स्प्रे करके यूरिया की खेती कर रहे हैं। इसी तरीके से नैनो जिंक, ये भी किसानों के लिए शीघ्र आने वाला है। इसके अलावा इसको जैव उर्वरक बना रही है, ये एनपी के तीनों चीज है इसमें। इसी जो ये जो प्रोडक्ट है इससे क्या किसानों को बेनिफिट होने वाला है? किसानों को बेनिफिट ये होगा, इसके प्रयोग से कम 20-25% पैदावार बढ़ेगी और जो खर्चा है वो किसान का आधे से कम हो जाएगा। जमीन में पड़ेगा जो वातावरण की नाइट्रोजन है, पौधे सूख लेते हैं, जमीन में बेकार डीएपी फॉस्फोरस पड़ी रहती है, वो सब घुलनशील मिला के पौधा उसे ले लेगा। इसी तरीके से बेकार पौधा ले लेगा, इससे जो है और पैदावार कम से कम 20-25% बढ़ती है। जो जैव भोजन हुआ उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है और इनके इस जन्म स्थान ईश्वर के आसपास के किसान भाइयों को नई तकनीकी से खेती करने का तौर तरीका मालूम हो जाए और विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा सके, इसके लिए 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 10,000 रूपए तक के कृषि यंत्रों को 50% अनुदान पर उनको तुरंत खरीदने की सुविधा भी होगी और उनको अनुदान जो है उनके खातों में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर स्टॉल भी कल और परसों दोनों दिन चलाए जाएंगे। किसानों की आमदनी बढ़े और दूनी हो, यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि अब तक आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला फैसला इस बात का किया कि 31 मार्च 2016 तक जिन किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों से केसीसी के रूप में 1,00,000 रुपए तक के बकाए हैं उनका माफ करेंगे और 2 साल के भीतर उस योजना का ठीक प्रकार से कारगर अंजाम देकर किसानों के खातों में जो उनके ऊपर जो ऋण था उसको राज्य सरकार ने लेकर के और बैंकों को उसकी अदायगी कर दी, यानी कर्ज मुक्त उनको कर दिया। और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर, फार्म मशीनरी, बैंक और कस्टम हायरिंग पर हम 80% अनुदान देकर के किसान समूहों को या कृषि उत्पादक संगठनों को हम लाभान्वित कर रहे हैं, जिससे किसान जो है तकनीकी के आधार पर, कम श्रम के आधार पर वो अपनी खेती को कर सके और उसकी लागत को घटाया जा सके। साग सब्जियों के उत्पादन के दृष्टि से यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर से पौधे आए हुए हैं, वो भी किसानों को दिखाया जा रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको प्रशिक्षित किए जाने का काम किया जा रहा है। महिला किसानों को भी उनकी योजनाओं के बारे में बता करके जागरूक किया जा रहा है और सोलर पंप की योजना से भी हमने उत्तर प्रदेश के भीतर अब तक लगभग
27,00,000 किसानों को हमने सोलर पंप से युक्त कराया है। अगले साल 15,000 और सोलर पंप राज्य के भीतर लगाए जाएंगे, जो 60% अनुदान पर किसानों को सुलभ होगा। तो इस प्रकार से ये प्रयास किया गया कि किसान की आमदनी को कम किया जाना और उसकी किसान की लागत को कम किया जाना और उसकी आमदनी को बढ़ाया जाना। आम जैसे जैसे वो खेती के क्षेत्र में प्रदेश के भीतर वो अपने उत्पादन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे MSP पर खरीदारी की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ठीक किया है। अगले सीजन में लगभग 5,000 क्रय केंद्र चला करके और 50,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ की खरीदारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है और अप्रैल महीने से ही खरीदारी जहाँ पर गेहूँ तैयार हो जाएगा वहाँ पर खरीद की काम शुरू हो जाएगा। जिन क्षेत्रों के भीतर सरसों की खेती या चना और मसूर की खेती हमारे किसान भाइयों ने किया है और ज़्यादा एरिया के भीतर किया है, वहाँ पर भी हम क्रय केंद्र उस जनपद के भीतर खोलेंगे जहाँ 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जिस फसल की खेती हो रही है वहाँ पर चिन्हित करके हम क्रय केंद्र खोलेंगे, जिससे कि उनको MSP के आधार पर उनके धनराशि का भुगतान किया जाए। इससे आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? देखिए बहुत सी चीजें हैं जो अपने किसानों को नहीं मालूम, इस मेला के द्वारा आप लोग को पता पड़ जाएंगे जो योजना चल रही है, कहाँ कहाँ आप आ सकते हो। और जैसे ये बांट रहे थे पंप और वो जो और सब क्षेत्र में बट गया है क्योंकि उसकी जानकारी है, यहाँ अपने क्षेत्र में किसी जानकारी नहीं है ना उसका फायदा उठा पाया। इसी तरह से एसडीएम साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माननीय मंत्री जी बुला रहे हैं, मैंने आवाज उठाई है और कल ही यहाँ उपलब्ध होंगे और इसका फायदा मैं कहूँगी सब भाग्य के साथ उठाएं। जो जो लाभ आती है, जो जो किसान को मिल रहा है सरकार द्वारा, चाहे भारत केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश अपनी सरकार हो, लाभ जरूर उठाएं। हर एक आपकी आमदनी बढ़े ये सबसे बड़ी चीज है और उन्हीं के लिए हम लोग सब चीज कर रहे हैं। जी अब उस चीज को मान गए, पूरा विभाग मान गया है और कल सुधार हो जाएगा, कल ही आप लोगों को मिलने लगेगा। नहीं आप पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं तो मैं कोशिश करके टाइम निकाल देखिए उससे बगल वाले से प्रेरणा लीजिएगा वहाँ से अनाउंस कराने की कंपनी की उनका स्टॉल भी लगा है, आप जाइए उनके स्टॉल पर, वहाँ के जो भी उनके मैनेजर साहब हैं उनसे संपर्क करिए। अभी तक एक एकड़ पाली हाउस से इन्होंने 6 टन यानी 60 क्विंटल शिमला मिर्च बेच चुके हैं और लगभग इनका जो अनुमान है एक एकड़ के पाली हाउस से। हरदौर सिंह जी के द्वारा एक सूक्ष्म भेंट है माननीय मंत्री जी के लिए, वो अपने उत्पाद जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।